मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। 5000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार, तो एमपी सरकार फिर से कर्ज लेगी। तो देखिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश सरकार 5000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। 20 साल के लिए 2500 करोड़ तो वहीं 14 साल के लिए 2500 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। तो देखिए 5000 करोड़ का कर्ज सरकार लेने जा रही है, जिसमें से 2500 करोड़ का कर्ज 20 साल के लिए होगा, तो वहीं 14 साल के लिए 2500 करोड़ रुपए का लोन सरकार लेगी। अब तक 3,90,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेने जा रही है। इस बार 5000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी है। और संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। दीपक का रुख करेंगे। दीपक, लगातार हम देख रहे हैं कि बीते दिनों भी पहले भी कई बार मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले चुकी है। फिलहाल 3,90,000 करोड़ का कर्ज अब तक सरकार ले चुकी है और अब एक बार फिर से 5000 करोड़ का कर्ज सरकार लेने जा रही है। जी मैं बता दूं ऋतु, जितना मध्य प्रदेश का बजट नहीं है, क्योंकि जो इस बार बजट हुआ है 3,65,067 का बजट हजार करोड़ का, और इस पूरे के बाद अब 3,90,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पर हो गया है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से सरकार कर्ज ले रही है, कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और हालांकि अभी 5000 करोड़ का कर्ज आज फिर सरकार ने लिया है और उनके खाते में आना है। जो बॉन्ड है 2500 करोड़ के अलग अलग गिरवी रखे गए हैं और लगातार प्रदेश सरकार पर कर्ज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति भी जताई थी और लगातार अब यह देखना होगा कि आखिरकार कितना यह कर्ज है सरकार लेती, क्योंकि जिस तरीके से फ्री में देने वाली योजनाएं चल रही हैं कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर अब बोझिल होते हुए नजर आ रही है और सरकार को योजनाएं चलाना भी अब लगता है मजबूरी हो गई। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। और यदि हम प्रति व्यक्ति की बात करें तो करीब 46,000 रुपये का प्रति व्यक्ति पर कर्ज दिखाई देने लगा है।